पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। प्रदेश में 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने भाजपा की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में 25 रुपए इन्होंने गन्ने के बढ़ाए हैं। क्या किसान की कीमत 5 रुपए लगा रही है ये सरकार? ये 25 रुपए बढ़ाकर सरकार किसानों की बेइज्जती कर रही है। सचिन चौधरी के अनुसार कम से कम 100 रुपए गन्ने के बढ़ने चाहिए थे, लेकिन योगी सरकार ने मात्र 25 रुपए बढ़ाकर किसान विरोधी होने का सबूत दिया है। कांग्रेस नेता के अनुसार सरकार को इस पर किसानों से माफी मांगते हुए 100 रुपए बढ़ाने का काम करना चाहिए। एक तरफ पेट्रोल 60 से 100 रुपए पहुँच गया और ये किसान विरोधी लोग किसानों की जख्मों पर नमक लगाने का काम कर रहे हैं। सचिन चौधरी का कहना है कि गन्ने का रेट डीजल की महंगाई के रेट में बढ़ाया जाना चाहिए। 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने से क्या होगा? पिछले 1 साल में 37 रुपए लीटर डीजल महंगा हो चुका है। गन्ने का मूल्य तो 100 रुपए बढ़ना था, जैसा हमारा अंदाजा था, जो कांग्रेस पार्टी की मांग थी वो 100 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ना था। आज इन्होंने 5 रुपए साल किसानों की औकात आकी है। अगर 17 में 325 रुपए गन्ने का मूल्य था, आज 350 रुपए किया है, तो जो किसानों की औकात ये आंक रहे हैं 5 रुपए साल की, वो किसान इनकी औकात चुनाव में बता देगा इनको कि इनकी क्या औकात है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सैकड़ों से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लगभग 1 साल हो जाएगा जो किसान धरनों पे बैठे हुए हैं गन्ने को लेके। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि योगी जी एक संत आदमी हैं। उनको घंटा बजाने के लिए बढ़िया काम गोरखपुर में है, यहाँ पे वो उनका काम नहीं चल पा रहा है। उनके सलाहकार भी ठीक नहीं है, सरकार के सलाहकार भी बिल्कुल ठीक नहीं है। किसान सैकड़ों से ज़्यादा शहीद हो गए, धरने पे बैठे हुए हैं, और ये कितना रुपए बढ़ा रहे हैं? 5 रुपए साल। 60 रुपए का डीजल पेट्रोल हुआ करता था, अब 100 रुपए है। आप मुझे बताइए, 325 रुपए का जो था उस पर 25 रुपए बढ़े हैं 5 साल में, और जो 60 रुपए का सामान है उस पर 40 रुपए बढ़ गए। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का गणित है भाई? हमें समझ से बाहर है। और अभी भी दिक्कत में बढ़ाएं, मजबूरी में ही, जब बिल्कुल ये लग गया कि अब निपटने का नंबर आ गया, बाबा चले वापसी, तो जब बाबा को महसूस हो गया कि अब निकलने वाले हैं, किसान इस बार जो है मामला साफ कर देगा, तो मजबूरी में बढ़ाया। कल भारत बंद है, कांग्रेस या आप कहाँ, कैसे देखते? देखिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। किसानों के कर्जे माफ़ हमने किए, कांग्रेस, और ये अभी इन्होंने जो पैसा बढ़ाया है 25 रुपये, ये इसलिए बढ़ाया है कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हम अपने आप देगी कांग्रेस, हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें इन्हें देना होता तो पहले दे देते। किसानों के तो बहुत सारे मुद्दे हैं और हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये किसानों के साथ नहीं थे, ये देश के साथ कभी नहीं थे। देश से गद्दारी इन्होंने हमेशा की, किसानों से गद्दारी इन्होंने हमेशा की, और वो सामने दिख रहा है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हर मुद्दे पे किसानों के साथ हैं। जहां जहां किसानों का अनहित होगा वहां साथ खड़े होंगे, उनका समर्थन करेंगे, हर चीज पे समर्थन करेंगे। जो जो उनको दिक्कत है उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या लगता है 25 कांग्रेस की मांग थी कि 100 रुपए बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। आप देखिए, 5 सालों में डीजल पेट्रोल के भाव दुगने हो गए, तो दुगने का मतलब गन्ने का भी दुगना होना चाहिए था। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।